जिस ढंग से दानिश अली को इन्होंने सस्पेंड किया है, ये एक बड़ा गंभीर मसला इसलिए भी है कि दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर बड़े ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल सामना पड़ना पड़ा। पार्टी विरोधी गतिविधि उनकी क्या थी कि कांग्रेस के, हो सकता है राहुल गांधी से मिले हों, यही पार्टी विरोधी गतिविधि हो सकती है ना, कि राहुल गांधी से उनकी मीटिंग हुई हो या राहुल गांधी उनके घर चले गए हों। लेकिन सवाल तो ये होता है ना कि जब संसद में आप हैं, राहुल गांधी आपके यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप कांग्रेस को ही मान रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, तो मेरे पास पीछे ये सूचना आई थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ गठबंधन को लेकर बसपा के तरफ से कांग्रेस को भी मैसेज किया था, बसपा के कुछ नेताओं ने कांग्रेस से संपर्क भी किया था। तो राजनीति में तो सारा चलता रहता है। ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आए और भाग्य बहुत प्रबल हो तभी बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, वरना वो सर्व समाज को लेकर के और टिकट में जो है चाहे जितना नामा कमा लें, प्रधानमंत्री बनने की तो दूर दूर तक संभावना नहीं दिखाई पड़ती। और जो उन्होंने दानिश अली को पार्टी से जिस तरह जो है पार्टी विरोधी गतिविधि के नाम पे निकाला है, उससे एकदम पूरी तरह एस्टेब्लिश हो गया। देखिए अडानी का जो जो लोग बहुत मुखर विरोध करते थे उनका क्या हश्र अभी तक हुआ, राहुल गांधी को इनकी सदस्यता समाप्त हो गई, बंगला ले लिया गया, आपके महुआ मोहित्रा को जो है क्या कहते हैं संसद से किसी न किसी बहाने निकाल बाहर कर दिया गया, दानिश अली भी उस विरोधियों में शामिल थे तो दानिश अली को बसपा ने निकाल दिया जबकि वो विपक्ष की पार्टी है। सत्ता में आने के बाद मायावती के आसपास ही, मायावती बहन जी के आसपास कोई मैंने दलित अधिकारी को गवान करते हुए स्टेट को नहीं देखा, जो मुझे मेरे लिए एक बड़ा शोध का विषय हमेशा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कि बहन जी के कोर कमेटी में या तो कोई सागल साहब थे या कोई पांडे साहब थे तो कोई शशांक शेखर जी थे और एक दो अधिकारी थे, एक मुझे अधिकारी मुझे याद आते हैं जो पुलिस ऑफिसर रहे हैं और मायावती जी के टाइम उनका बड़ा नाम था, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं और उनके ब्रिजलाल हाँ, और वो अभी जो कमेटी जो लॉ वाली जो कमेटी है जो अभी तीनों साक्ष्य अधिनियम का जो जो तीनों जो नए लॉ आ रहे हैं उसका कमेटी का साथ चेयरमैन वही है, ब्रिजलाल जी हैं। और उसके बाद एक कुंवर फतेह बहादुर थे जो होम डिपार्टमेंट देखते थे, तो मैंने देखा कि एक या दो दलित अफसर ही मायावती के नजदीक रहे, लेकिन जो स्टेट को चलाने वाले ऑफिसर्स थे वो सारे बसपा के मूवमेंट से अलग अधिकारी थे जिनका बसपा से कोई लेना देना नहीं था, जिसमें सिंह साहब भी कोई होंगे, कोई पांडे साहब भी होंगे, कोई शुक्ला जी भी होंगे, कोई तिवारी जी भी होंगे। प्रधानमंत्री बनने की बात यह है कि जब आपकी लोकप्रियता क्षीण हो रही है और अगर एक या दो सीट का जो है की वजह से अगर आप जो है पार्टी की सरकार विपक्ष की न बन रही हो और तब आप समझौते की तरह उसमें जाए तो जिसे वन मैन चीफ मिनिस्टर वहां बना था आपके क्या कहते हैं मधु कौड़ा झारखंड में, वैसे वन मैन प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ बन सकते हैं। बसपा का एक मैंने डालिमा ये देखा कि बसपा चुनाव तो लड़ती थी उत्तर प्रदेश से बाहर भी, कई जगह मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही थी, राजस्थान में भी लड़ रही थी, बिहार में भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रभाव दिखाती थी, लेकिन गंभीरता से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती थी उत्तर प्रदेश और दूसरा पंजाब। काशी राम जी जब भाषण की शुरुआत करते थे तो उसमें उन कहते थे कि भाई जो लोग भी सवर्ण हैं वो हमारी बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया मेरी सभा से वो चले जाएं जी। क्यों? क्योंकि वो रहेंगे तो उनको हो सकता है हमारी बात बर्दाश्त ना हो, मैं नहीं चाहता कि जो है वो हमारी बात सुनकर के उनको बर्दाश्त ना हो और वो कोई हिंसा उतर आए या कोई और उस पर उतर आए, वो पहले ही कहते थे। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना कांशीराम जी ने की थी, आज लोकसभा में 10 सांसद हैं, एक को पार्टी विरोधी गतिविधि के नाम पर दानिश अली को निष्कासन कर दिया गया है, हटा दिया गया। आज देश भर के नेताओं की मीटिंग हुई बसपा नेताओं की लखनऊ में, प्रमुख घटनाक्रम यह है कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए। आज से कई वर्ष पहले उन्होंने उत्तराधिकार की घोषणा की थी कि मेरे परिवार का कोई नहीं होगा, लेकिन परिवार का ही उत्तराधिकारी हुआ।
उन्होंने ये भी कहा है कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन विपक्षी जिससे गठबंधन करते हैं उनका वोट हमारे इधर ट्रांसफर नहीं होता है। बसपा के कार्यकर्ता नेक्स्ट पीएम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने में तुले लगे होंगे ईमानदारी और शिद्दत के साथ, लेकिन आखिर कैसे बनेगी प्रधानमंत्री? कहीं गठबंधन नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाहर जो अभी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें 2%, 1.5%, 3% वोट है। क्या होगा भविष्य बीएसपी का? क्या आकाश आनंद को लोग अपना नेता स्वीकार करें? क्या एक जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी जिसमें कई लोगों ने, कई सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी थी, अपनी जवानी बर्बाद की, नौकरी तक छोड़ा, वह पार्टी भी अब परिवार तक सीमित हो गई? आज चर्चा इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अंबेडकर नाम। जेपी सिंह साहब और संजीव पांडे साहब हैं इलाहाबाद में। जेपी सिंह साहब हैं, जरा पूछते हैं कि यूपी में का हुई 2024 में। स्वागत है सर जी। देखिए सर, 2019 के चुनाव में जो 10 सीटें मिली थी बसपा को, वो सपा के कंधे पर चढ़ के मिली थी जी। अगर सपा से गठबंधन नहीं होता, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सपा से गठबंधन 2019 में था, फिर विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़े थे जी। अगर सपा से गठबंधन नहीं होता तो ये जो है 2 डबल फिगर में बसपा नहीं पहुंचती, क्योंकि बसपा का लगातार ग्राफ गिर रहा है। और बसपा को सच पूछिए तो अब अपने को सर्व समाज पार्टी घोषित कर लेना चाहिए। कर दिया है। जब हम लोगों ने अभी पहले विपक्ष की क्या स्थिति है और 2024 के चुनाव में क्या होगा, तो इसमें बात उठी थी और प्रसंगवश कांतीराम जी का जिक्र आया था कि उन्होंने इलाहाबाद में बीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो एक्चुअली जो अंदर की खबरें थी या जो समय चर्चा का भी विषय थी, वो ये था कि वो चुनाव इलाहाबाद में लड़ने के लिए स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने से नहीं आए थे, क्योंकि ऐसा कोई बसपा का जोर नहीं था। वो स्ट्रेटजी के तहत उनको देवीलाल जी ने प्रेरणा दे करके और जो है क्या कहते हैं प्रयागराज में इलेक्शन के लिए भेजा था, इलाहाबाद में, तत्कालीन इलाहाबाद में भेजा था, ताकि जो है मतलब किसी भी प्रकार जो है कांग्रेस को दलित वोट न मिलने पाए, क्योंकि दलित और मुस्लिम पहले उनका वोट बैंक था, लेकिन मुस्लिम तो खसक गया था, लेकिन दलित काफी दिन तक उसमें था जब तक कांसी राम जी का ठीक से प्रादुर्भाव नहीं हुआ। मुझे याद है, मैं अमृत प्रभात में उस जमाने में था और मैं रिपोर्टिंग में नहीं, एडिटोरियल में था जी। तो वहां इलाहाबाद में एक बहुत पुरानी परंपरा थी कि एक पीडी पार्क, जिसको अब उन्होंने घूमने फिरने का पार्क बना दिया है। पहले इलाहाबाद की सारी जनसभाएं पीडी पार्क में होती थी और जो बड़ी जनसभा थी वो केपी कॉलेज के मैदान में होती थी प्रधानमंत्री की, बाकी सब पीडी पार्क में होती थी। और जो ज्यादा हिट जनसभा होती थी वो पीडी पार्क पूरा भरने के बाद दोनों तरफ जो सड़कें थी वो सड़कें भी पूरी भर जाती थी और पीछे की सड़क भी भर जाती थी। वो तीन और सड़क से घिरा हुआ तिकोना टाइप का पार्क था। उसमें कांशीराम जी ने सभा की जी। तो मैंने कहा कि भाई जरा चलें देखें कांशीराम जी क्या कह रहे हैं। कांशीराम जी जब भाषण की शुरुआत करते थे तो उसमें उन कहते थे कि भाई जो लोग भी सवर्ण हैं वो हमारी बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया मेरी सभा से वो चले जाएं जी। क्यों? क्योंकि वो रहेंगे तो उनको हो सकता है हमारी बात बर्दाश्त ना हो। मैं नहीं चाहता कि जो है वो हमारी बात सुनकर के उनको बर्दाश्त ना हो और वो कोई हिंसा उतर आए या कोई और उस पर उतर आए, वो पहले ही कहते थे। तो भाई कुछ लोग हट भी जाते थे, कुछ लोग नहीं बैठते थे कि देखें क्या कहें। और वो शुद्ध रूप से जो है आपका क्या कहते हैं दलितों और पिछड़ों की बात कहते थे और जो है सवर्णवाद पर और जातिवाद पर और छुआछूत पर जमकर प्रहार करते थे। जो बसपा वहां उनके लड़ने के पहले 8,000-12,000 वोट पाती थी, वो संजीव भाई ने बताया कि लगभग 80,000 वोट उन्होंने पाया था। तो उन्होंने केवल जो है दलितों का ही वोट नहीं लिया था, उन्होंने उसमें पिछड़ों में भी काफी वोट था। और पिछले उस समय जो कुर्मी एक्टिविस्ट थे, यादव नहीं, कुछ कुर्मी एक्टिविस्ट जो बाद में एमपी भी 2 बार हुए बसपा से, जंग बहादुर पटेल जो बाद में सपा में फिर शामिल हो गए थे,
और इस तरह के लोग जो है तमाम मूवमेंट वाले लोग इनके साथ जो है मतलब क्या करते हैं बसपा के साथ शामिल थे, जो बहन जी के प्रादुर्भाव विर्भाव या ऊपर चढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके एक एक करके या तो निकाल दिए गए या वो पार्टी छोड़ करके बाहर चले गए कि न कोई से थी न कुछ बोल पाते थे। मायावती जी ने अपने मन से जो है पार्टी चलाई तो शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उनका पराभव होने लगा। सारे पुराने लोग पता चला कि एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के बीच में आधे से ज्यादा चेहरा बदल गए, जो बहुत दिनों तक साथ थे, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत दिनों तक साथ थे, लालजी वर्मा बहुत दिनों तक साथ थे, इंद्रजीत पटेल इंद्रजीत सरोज इलाहाबाद में बहुत दिनों तक साथ थे, यहाँ तक कि मुलायम सिंह के समय में जो MLA टूट के गए थे उसमें एक मुस्तफा सिद्दीकी हमारे घर के ठीक बगल में रहते हैं, वो तमाम प्रलोभन के बावजूद मंत्री बनने के बावजूद मंत्री का प्रलोभन होने के बावजूद भी टूट के नहीं गए थे, लेकिन उस सब लोग आज की डेट में बसपा से बाहर हैं, या तो हो गए हैं या कर दिए गए हैं या जो है वो क्या कहते हैं मतलब निकाल बाहर कर दिए गए। ये स्थिति है। अब देखिए दानिश अली का नया नया मामला है। अब प्रधानमंत्री बनने की बात यह है कि जब आपकी लोकप्रियता छीन हो रही है और अगर एक या दो सीट का जो है की वजह से अगर आप जो है पार्टी की सरकार विपक्ष की न बन रही हो और तब आप समझौते की तरह उसमें जाए तो जिसे वन मैन चीफ मिनिस्टर वहां बना था आपके क्या कहते हैं मधु कौड़ा झारखंड में, वैसे वन मैन प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ बन सकते हैं, या जैसे समझौते के तहत जो बिल्कुल कहीं जिनका नाम नहीं था वो समझौते के तहत जो है आपके क्या कहते हैं देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बन गए थे, मुलायम सिंह का नाम आ रहा था तो लालू प्रसाद यादव ने काट दिया था, और लोगों का नाम आ रहा था कोई ना कोई तो देवगौड़ा साहब बन गए, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, देवगौड़ा बन गए। हालांकि 2-2.5 साल बाद फिर बदल के इंद्र कुमार गुजराल बन गए, तो इंद्र कुमार गुजराल को भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो जन नेता नहीं है जो पब्लिक के बीच में से चुन के नहीं आ रहा राज्यसभा की जिसने राजनीति की वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, लेकिन बन गए। तो कहने का तात्पर्य है कि लगातार जब वो ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आए और भाग्य बहुत प्रबल हो तभी बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, वरना वो सर्व समाज को लेकर के और टिकट में जो है चाहे जितना नामा कमा लें प्रधानमंत्री बनने की तो दूर दूर तक संभावना नहीं दिखाई पड़ती। और जो उन्होंने दानिश अली को पार्टी से जिस तरह जो है पार्टी विरोधी गतिविधि के नाम पर निकाला है उससे एकदम पूरी तरह एस्टेब्लिश हो गया। देखिए अडानी का जो जो लोग बहुत मुखर विरोध करते थे उनका क्या हश्र अभी तक हुआ, राहुल गांधी को इनकी सदस्यता समाप्त हो गई, बंगला ले लिया गया, आपके महुआ मोहित्रा को जो है क्या कहते हैं संसद से किसी न किसी बहाने निकाल बाहर कर दिया गया, दानिश अली भी उस विरोधियों में शामिल थे तो दानिश अली को बसपा ने निकाल दिया जबकि वो विपक्ष की पार्टी है और वो भाजपा का विकल्प बनने का दावा करती है और अभी भाजपा की दुनिया भर की आलोचना करती है। अभी EVM का भी उन्होंने आपके क्या कहते हैं परोक्ष रूप से बहुत ही आलोचना की थी कि ये जो चुनाव रिजल्ट है ये उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ हेरा फेरी की गई है। अब आपने दानिश अली को निकाल दिया और इसको अगर अडानी से जोड़ेंगे तो होगा कि भाई ये भी उनके मुखर आलोचक थे संसद में, आपने उनको निकाल दिया, फिर आप ऐसा ऐसा काम करते हैं जिससे सीधे सीधे लगता है कि आप जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं भाजपा को प्रकारांतर से जिताने के लिए जो है क्या कहते हैं आपको इंडिया गठबंधन में हम नहीं शामिल होंगे, हम अलग चुनाव लड़ेंगे और अलग चुनाव लड़ेंगे और हम ऐसे कैंडिडेट खड़ा करेंगे जिनका वोट काटने के अलावा दूसरा कोई जो है मतलब वो ना हो, और बाय द वे कहीं कोई इक्का दुक्का जीत जाए बात अलग है, अदरवाइज वोट लगातार सिकुड़ता जा रहा है, जनाधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है, और जो सर्व समाज के नाम पर जो ब्राह्मण ठाकुर या और लोग भी जो आपके साथ आ रहे हैं वो उसी लाल लिहाज से आ रहे हैं कि आप वो चुनाव जीत जाएंगे, अगर उनको चुनाव जिताने की क्षमता आपकी नहीं रहेगी तो वो भी धीरे धीरे सनाए सनाए आना बंद कर देंगे, तो आप वन मैन आर्मी या टू मैन आर्मी या थ्री मैन आर्मी के रूप में सिकुड़ जाएंगे। वैसे तमाम विपक्षी दलों को आपने देखा है कि वो बनते हैं बड़ा धूम धड़ाके के साथ, उसके बाद सिकुड़ते 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 एकदम सिकुड़ जाते हैं। पीस पार्टी थी एक समय था कि वो खूब मुसलमानों का वोट काट रही थी, अब जो पीस पार्टी के मुख्य नेता हैं उन्हीं के जो है मतलब वोट पाने के लाले पड़ जा रहे हैं, आपके MIM है, इसी तरह एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक UDF थी उसमें कुरैशी साहब नेता थे वो भी बसपा से निकले हुए नेता थे, एक समय था कि पूरे उत्तर प्रदेश में UDF ने जो है कैंडिडेट जगह जगह खड़ा करके सपा को खूब डैमेज किया, आज की डेट में UDF का कोई नाम लेवा नहीं है। तो इन सब स्थितियों में
जो है क्या कहते हैं, बहन जी के लिए प्रधानमंत्री बनना मेरी समझ से तो कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, या फिर जो है एक या दो सीट्स की कोई कमी हो वो बहन जी पूरी कर रही हो, ये शर्त हो कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ तभी हम जो है इसको समर्थन देंगे तो बन जाए, बात अलग है। अदरवाइज जिस तरह जनाधार सिक्योर था उस तरह तो प्रधान एक समय था जब पूरी जो है जब उत्तर प्रदेश में इनकी अपने बल पर बहुमत की सरकार बन गई थी तो ये लग रहा था कि आज नहीं तो कल ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद की हो सकती है, लेकिन उन्होंने जिस तरह के सब जो है वो कारनामे किए अपने, वो धीरे 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 वो शॉर्ट साइटेड है, वो जो है मतलब दूर लंबी दूरी की रेस में जो है वो क्या कहते हैं वो मतलब शॉर्ट साइटेड होने के नाते वो दौड़ नहीं पाते। संजीव जी, आप इलाहाबाद में भी रहे हैं, पंजाब में भी रहे हैं और बसपा का उभार आपने देखा है जी। देखिए, जिस चुनाव की चर्चा कर रहे हैं जेपी सिंह जी, 87 में मैं इलाहाबाद गया था और बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, और बीपी सिंह उस समय जनता दल जन मोर्चा बनाया था उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिवोल्ट करके और बीपी सिंह ने नॉमिनेशन किया था, तो सेंट्रल स्टेज तो बीपी सिंह ही थे उस इलेक्शन के। लेकिन जब हम लोग वहीं पे यूनिवर्सिटी के बैक साइड में हम लोग हॉस्टल में रहते थे और वहां से जब बाहर निकले और देखे कि साइकिल पे एक बुजुर्ग जा रहे हैं और उनके साथ काफी 100, 200, 250, 300 लड़कों की एक मतलब साइकिल लोगों की भीड़ थी, साइकिल पे ही मेरी नजर मुझे जहां तक याद है कि साइकिल पे ही उन्होंने कैंपेन किया था, उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था जहां तक मुझे याद है। जेपी सिंह भी बता पाएंगे कि साइकिल पे उन्होंने कैंपेन किया था, और जब वो कैंपेन चल रहा था तो हम लोगों ने एक दो बार वहां पे देखे साइकिल से वो घूम रहे थे, और उस समय उन्होंने एक वोट और एक रुपया मांगा था उन्होंने लोगों से जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो हम लोगों को भी उत्सुकता तो होता था, थोड़ा सा पॉलिटिकल माइंड था, तो सुनील शास्त्री कांग्रेस के कैंडिडेट थे तो किसी को दरअसल जो पूरी लड़ाई थी ना वो सेंटर में थी, वो सुनील शास्त्री वर्सेस बीपी सिंह या राजीव गांधी वर्सेस बीपी सिंह पूरा इलेक्शन था। लेकिन इनके उतरने के बाद कुछ बीच बीच में ग्रीन ब्रिगेड वाले जवान भी दिखते थे, वो हरा सफा बांधे हुए जो हरियाणा से आए हुए थे देवीलाल के, हमको लगता है कि वो भी अलग माहौल बना रहे थे। तो उस समय तक इलेक्शन के टाइम तक जब वोटिंग हुआ तो लोगों ने बहुत गंभीरता से इस चुनाव प्रचार को काशीराम जी के चुनाव प्रचार को नहीं लिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया और मुझे लगता है कि मुझे अभी तक जहन में याद है कि 94-95 हजार वोट सुनील शास्त्री जी को आया था और 81 हजार वोट इनको काशीराम जी को आया, 75 या 80 हजार वोट आया था। तो वो एक चर्चा का विषय बन गए, हम लोग हॉस्टल में भी कौन है कैसे वोट आ गया इतना आ गया, तो एक चर्चा का विषय था। और मुझे लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये बीएसपी की एक शुरुआत थी, और उस शुरुआत में चूंकि देश में एंटी कांग्रेस जो एक धुरी बनाने की कोशिश हो रही थी और बनी भी, जिससे कांग्रेस सत्ता में गई, और उसी धुरी के बीच से जो ये बसपा का जो एक मूवमेंट निकला काशीराम जी के नेतृत्व में, तो वो एक बड़ा चर्चा का विषय था। और उसके बाद तो सारा घटनाक्रम जानते ही है कि बीजेपी से कैसे बसपा का बाद में समझौता हुआ, उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी के गठबंधन से सरकार बनी, उससे पहले मुलायम सिंह के गठबंधन से सरकार बनी, इनफैक्ट काशीराम जी उस समय जिंदा थे और मुलायम सिंह जी के साथ गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में। फिर उसी समय में जहां तक मुझे याद है कि गेस्ट हाउस कांड जेपी सिंह जी बताएंगे उसी समय शायद हुआ था जब वो सरकार तिरानवे में गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद बसपा का धीरे धीरे इमरजेंस बिहार में होता गया, होते 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 आप देखिए कि वो एक बार बीजेपी के गठबंधन से भी सरकार, एक बार नहीं लगता है दो बार बीजेपी के गठबंधन से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तीन बार ठीक है। उसमें उसी चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों को कुर्बानियां भी देनी पड़ गई, कई लोगों का राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो गया। उसमें एक हम लोगों के बहुत करीबी जानकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के कहने पे उन्होंने बहन जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बाद में पार्टी ने उनको छोड़ दिया, जबकि युवा मोर्चा को राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे रामाशीष राय। तो ऐसे कई लोगों को मैंने देखा कि वो बेचारे भाजपा के नेताओं के कहने पे मायावती जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, एक तरफ भाजपा से गठबंधन है और दूसरी तरफ मोर्चा खोल दिया किसी के कहने पर, उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। लेकिन एक टाइम ये भी आया जब 2000 आपने 7 में देखा होगा, 7 या 8 में कि मायावती जी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार आई, जो किसी का प्रेडिक्शन में नहीं था कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बसपा की बन सकती है, और बनी पूर्ण बहुमत की सरकार।
और 5 साल राज भी किया, लेकिन इस बीच बसपा का एक मैंने डालिमा ये देखा कि बसपा चुनाव तो लड़ती थी उत्तर प्रदेश से बाहर भी, कई जगह मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही थी, राजस्थान में भी लड़ रही थी, बिहार में भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रभाव दिखाती थी, लेकिन गंभीरता से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती थी उत्तर प्रदेश और दूसरा पंजाब, जहां पंजाब में 96-98 के दौरान इनके 2-3 सांसद भी जीत के आए थे, जिसमें मुझे नाम भी याद है, एक हरभजन सिंह लाखा थे, एक सतनाम सिंह कैथ थे, या सतनाम सिंह क्या नाम था, तो एक फिलौर सीट बसपा जीतती थी, एक जलंधर सीट बसपा जीत जाती थी बीच में, तो वो लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ भी बसपा एक गठबंधन करती थी, कभी अकाली दल से गठबंधन भी बसपा का हुआ है 96 के आसपास, तो गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश से बाहर करती रही। एक बसपा के मूवमेंट में मुझे एक दिलचस्प चीज एक और नजर आया, जब मायावती जी सत्ता में आई, तो सत्ता में आने के बाद मायावती के आसपास ही, मायावती बहन जी के आसपास कोई मैंने दलित अधिकारी को गवान करते हुए स्टेट कुन नहीं देखा, जो मुझे मेरे लिए एक बड़ा शोध का विषय हमेशा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कि बहन जी के कोर कमेटी में या तो कोई सागल साहब थे या कोई पांडे साहब थे, तो कोई शशांक शेखर जी थे और एक दो अधिकारी थे, एक मुझे अधिकारी मुझे याद आते हैं जो पुलिस ऑफिसर रहे हैं और मायावती जी के टाइम उनका बड़ा नाम था, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं और उनके ब्रिजलाल और वो अभी जो कमेटी जो लॉ वाली जो कमेटी है जो अभी तीनों साक्ष्य अधिनियम का जो तीनों जो नए लॉ आ रहे हैं उसका कमेटी का साथ चेयरमैन वही है, ब्रिजलाल जी हैं। और उसके बाद एक कुंवर फतेह बहादुर थे जो होम डिपार्टमेंट देखते थे, तो मैंने देखा कि एक या दो दलित अफसर ही मायावती के नजदीक रहे, लेकिन जो स्टेट को चलाने वाले ऑफिसर्स थे वो सारे बसपा के मूवमेंट से अलग अधिकारी थे, जिनका बसपा से कोई लेना देना नहीं था, जिसमें सिंह साहब भी कोई होंगे, कोई पांडे साहब भी होंगे, कोई शुक्ला जी भी होंगे, कोई तिवारी जी भी होंगे, शशांक शेखर शायद जाट जाति से थे जो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जहां तक मुझे लगता है शशांक शेखर शायद जाट जी थे। तो मेरा यह मानना है कि बसपा के मूवमेंट में जब मायावती जी आए तो क्या उनको कोई इंपॉर्टेंट दलित अधिकारी पूरे प्रदेश में नहीं मिला था जो इंटेलिजेंट हो और निश्चित रूप से होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो जो इंटेलिजेंटली स्टेट को रन कर सके, लेकिन उन्होंने पसंद किया ऊंची जातियों के अधिकारियों को। तो ये एक मुझे मेरे लिए हमेशा एक शोध का विषय रहा है। फिर तो पार्टी जैसे पॉलिटिकली भी जो गोवान पार्टी हो रहा था, तो आपने देखा होगा जिस ढंग से सतीश चंद मिश्रा का पार्टी में प्रभाव बढ़ा, ब्राह्मण जाति से थे, सतीश चंद मिश्रा का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय बसपा का एक तरह से वो मायावती जी के बाद नंबर 2 माने जाने लगे थे एक टाइम पे। तो मुझे ये लगा कि ये बसपा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है या एक राष्ट्रीय चेहरा देने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, या बसपा ने कंप्रोमाइज किया है अपनी नीतियों से, या कुछ और कारण है, कुछ और एजेंडा है, कोई और पॉलिटिकल एजेंडा है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन अब जिस ढंग से बसपा का जो व्यवहार मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से, और जिस ढंग से पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान बहुजन समाज पार्टी के जो नेतृत्व है जिस ढंग से सत्ता पक्ष से कंप्रोमाइज किया है, देखिए पहले सत्ता लेने के लिए उन्होंने कंप्रोमाइज किया, चीफ मिनिस्टर भाजपा ने किसी जमाने में इनके साथ कंप्रोमाइज किया था, ये चीफ मिनिस्टर बनी थी बहन जी, आज इनको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है भाजपा से। अब वो क्यों करना पड़ रहा है सारे जानते हैं, क्या कारण है, कोई इंक्वायरी है, कोई जांच है, ये सब तमाम चीजें हैं जिसके कारण कंप्रोमाइज कर रहे हैं। और अब तो जिस ढंग से दानिश अली को इन्होंने सस्पेंड किया है, ये एक बड़ा गंभीर मसला इसलिए भी है कि दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर बड़े ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल सामना पड़ना पड़ा। पार्टी विरोधी गतिविधि उनकी क्या थी कि कांग्रेस के, हो सकता है राहुल गांधी से मिले हों, यही पार्टी विरोधी गतिविधि हो सकती है ना, कि राहुल गांधी से उनकी मीटिंग हुई हो या राहुल गांधी उनके घर चले गए हों। लेकिन सवाल तो ये होता है ना कि जब संसद में आप हैं, राहुल गांधी आपके यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप कांग्रेस को ही मान रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, तो मेरे पास पीछे ये सूचना आई थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ गठबंधन को लेकर बसपा के तरफ से कांग्रेस को भी मैसेज किया था, बसपा के कुछ नेताओं ने कांग्रेस से संपर्क भी किया था। तो राजनीति में तो सारा चलता रहता है, लेकिन इस मौके पर दानिश अली को सस्पेंड करने की कहानी कुछ और ही है। और मुझे लगता है कि पूरी पूरा केंद्र सरकार के दबाव में उनको पार्टी सस्पेंड किया गया है, क्योंकि दानिश अली के प्रेशर के कारण वो विधुड़ी साहब को माफी मांगनी पड़ी जो
पार्लियामेंट के अंदर, चूंकि महुआ मोत्रा को पार्टी से पार्लियामेंट से सस्पेंड किया गया था, तो ये सवाल उठ रहा था कि भाई जो महुआ मित्रा के व्यवहार पे अगर आपने उनको पार्लियामेंट से निकाल ही दिया, तो ये जो दानिश अली साहब को तो संसद में गाली दी गई, तो आप उस पर क्या चुप बैठे हो, एथिक्स कमेटी क्यों चुप बैठे हो? तो फटाफट भाजपा हाईकमान ने विदुड़ी साहब से माफी उफी मंगवा के वो मामला खत्म कर दिया और दानिश अली साहब इधर पार्टी से भी निकाले गए। तो ये बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में अच्छे संकेत नहीं है, परसेंटेज ऑफ वोट उनका घट रहा है और आने वाला टाइम भाजपा के लिए बहुत ही कठिन होगा। जेपी सर, कई वर्ष पहले बहन जी ने घोषणा की थी कि हमारा उत्तराधिकारी मेरे ही समुदाय का होगा, घर का नहीं होगा और अविवाहित होगा, लेकिन जब उत्तराधिकार की घोषणा हो गई तो सारे उलट है, पूरा घर के ही है, विवाहित भी है। देखिए, कांशीराम जी का भी पूरा परिवार था, लेकिन उन्होंने मायावती जी को उत्तराधिकारी बनाया, वो अपने परिवार में भी किसी को बना सकते थे। अब मायावती जी ने तो अपने भतीजे को बनाया, और दूसरी बात यह है कि जो केडी सोमैया ने जो बसपा के समय में 100 आरोपों की जो पुस्तिका जारी की थी, भाजपा ने बहुत दिन तक भाजपा की वेबसाइट पर पुस्तिका थी, उसमें आनंद कुमार की पत्नी, उनकी कंपनियों के बारे में भी दुनिया भर का जो है काला चिट्ठा था। तो ये कहीं से जो है वो मायावती जी के कहने, कथनी और करनी में सदैव से अंतर था। पहले जहां नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वो बाद में हो गया तिलक तराजू और तलवार इनको पूजो बार बार, हाथी नहीं गणेश है, मतलब ये सब जो है नारा शुरू हो गया, आप सब बता रहे, जिसकी वजह से कैडरों का मोह भंग होना शुरू हुआ और लोग इनसे खसकते गए। आप सब बता रहे, आज तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां किए हैं सहारनपुर की, उस क्षेत्र में चंद्रशेखर रावण ने ही बहुत ज्यादा डेंट मार दिया है दलित वोटों में। अभी अलग उनके राजनीतिक कौशल की परीक्षा होनी बाकी है, लेकिन उन्होंने वहां बहुत डेंट जो है क्या कहते हैं दलित वोटों में चंद्रशेखर रावण ने मार दिया है। दूसरी बात यह है कि जो आपका पासी समाज है, उसके भी तमाम नेता जो है आपके जो है इनके से बाहर होकर के दूसरी जगह चले गए। कुर्मियों का जो एक बहुत बड़ा वर्ग इनके साथ उस मूवमेंट में शामिल हो गया था, जो बहुजन मूवमेंट कांशीराम जी के साथ चला रहे थे, जंग बहादुर पटेल थे और भी कौन पटेल थे, कई लोग जो थे वो मैंने एमएलए एमपी भी हुए बसपा से, वो सारे के सारे छोड़ गए हैं इस समय, तो पूरा कुर्मी समाज एक प्रकार से भाजपा की गोद में बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात होती है तो एक बात हम भूल जाते हैं, नीतीश कुमार बनारस में रैली करने जा रहे हैं, क्योंकि बनारस में भी माना जाता है कि कुर्मी समाज बहुत है, और प्रयागराज में भी कुर्मी समाज अच्छी खासी संख्या में है, दलित मुस्लिम कुर्मी, और अगर वो फूलपुर से जैसे कि चर्चा है चुनाव लड़ने की, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आप जान लीजिए कि पूरा कुर्मी समाज का ओरिएंटेशन जो है वो इंडिया के प्रति हो जाएगा भाजपा को छोड़कर, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में कुर्मी समाज के वो बहुत बड़े नेता हैं, और जो हार्दिक पटेल और ये पटेल वो पटेल जो गुजरात वाले हैं, उनसे ज्यादा स्वीकार्यता नीतीश कुमार की जो है उत्तर प्रदेश में है, कम से कम ये आधे उत्तर प्रदेश में तो है ही है, पश्चिमांचल के बारे में मैं नहीं ठीक से बता सकता कि वहाँ कुर्मी समाज के कितने लोग हैं, लेकिन ये जो लखनऊ से लेके झांसी के से लेके इधर जो बिहार और मध्य प्रदेश से सटा इलाका है, इसमें जो कुर्मी समाज है उसमें काफी उनका जो है क्या कहते हैं मतलब नीतीश कुमार का प्रभाव है। अगर वो आगे यहाँ से लड़ते हैं या बनारस से लड़ते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत सी सीटों पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ये सारे उनसे अलग हुए हैं, आपके कांशीराम से अलग हुए हैं, क्योंकि कुर्मी ही एक ऐसा समाज था जिसकी सच पूछे तो कोई उस तरह का छत्रप और उस तरह की जो है क्या कहते हैं राजनीति तो उस तरह का नेता नहीं था। ये सब लोग इसके मूवमेंट के लोग जो है जो पढ़े लिखे लोग थे वो कांशीराम जी के मूवमेंट में जुड़े थे बहुजन मूवमेंट से, लेकिन बहन जी ने जिस तरह जन्मदिन मना के उपहार लेके जिस तरह पैसा लेके टिकट देके ये सब जो किया तो उससे धीरे 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 मोह भंग होता गया, और जो बहुत ही खास खास लेफ्टिनेंट थे वो भी उनका साथ छोड़ते चले गए जी। और बाकी संजीव भाई ने बहुत सही कहा, सतीश मिश्रा के होने के कारण जो टॉप पर जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें पीएल पूनिया साहब थे जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि ताजकारी डोर घोटाले में पीएल पूनिया के फंसने के पूरे चांसेस थे, क्योंकि सब उन्हीं के दस्तखत से फाइल आगे बढ़ी थी।
लेकिन बस उन्होंने इतनी होशियारी की थी कि उन्होंने सारे फाइल पर नोटिंग लिख दिया था कि मुख्यमंत्री जी ऐसा चाहती हैं इसलिए ऐसा करके दस्तखत किया था, जिसके कारण वो बच गए। आप बता, तो जब बच गए तो चूंकि उन्होंने मुख्यमंत्री जी ऐसा चाहती हैं करके जो लिखा था उन्होंने, उसकी वजह से बहन जी उनसे कुपित हो गई। पीएल पुनिया जो है कांग्रेस में चले गए छोड़ करके इनका इनको, या और जो बहुत से बागला साहब एक तो थे लेबर सेक्रेटरी थे और वो जो है वो इनको छोड़ करके जो है क्या कहते हैं भाजपा में चले गए। तो बहुत सा जो ब्यूरोक्रेसी में उस समय जो अधिकारी थे और बहुत सक्षम अधिकारी बागला साहब पुनिया साहब ये सब माने जाते थे, ये सारे लोग जो है उसमें छोड़ छोड़ करके ये भाजपा में जो है क्या कहते हैं चले गए। तो ये जो पूरा क्षरण हुआ है जो इसका जो है आपका बीएसपी का, उसके लिए अगर एकमात्र कोई जिम्मेदार है तो वो बहन जी ही जिम्मेदार है जिन्होंने काशी राम के सपने को पटरी से उतार के पैसे के रूप में बदल। जी संजीव जी, कार्यकर्ता तो नेक्स्ट पीएम बनाने में लगे हुए हैं, कैसे बनेगी प्रधानमंत्री? देखिए मेरा एक अपना विचार ये है कि बसपा का जो मूवमेंट था और जब इनको पावर मिला तो ये ग्राउंड लेवल पे जो जिस डिस्ट्रेस और जो वंचित समाज के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए अगर कंक्रीट अगर इन्होंने काम किया होता और तो मैं समझता हूँ कि मूवमेंट कभी कमज़ोर नहीं होता, और उसके लिए इनको चाहिए था एक लंबा विजन लेके चलना चाहिए था कि जो यंग दलित हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर दलित हैं लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनके लिए बेहतर काम करना, उनके लिए डॉक्टर्स बनाना, उनको इंजीनियर्स बनाना, उनको इकोनॉमिस्ट बनाना, एक समाज में एक ऐसा तबका पैदा कर देना जो आगे फिर सोसाइटी के लिए काम आए। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, जिससे हो सकता है कि बसपा के समर्थक नाराज भी हो जाए, कि उन्होंने उस सारी एनर्जी लगा दी वो जो फंडिंग में जो पैसा था खर्च करना था, पार्क बनाओ, कॉरिडोर बनाओ और वो बनाओ, और हमको लगता है कि मुझे कोई बताता था किसी जमाने में कितनी सच बात है कि कुछ जो इनके इर्द गिर्द के अधिकारी थे वो इनको एडवाइज करते थे कि देखिए भारत में शाहजहां का और अकबर का नाम है, क्यों नाम है, फोर्ट्स बनाए उन्होंने, ताजमहल बनाया, इतने बड़े बड़े किला बनाए और उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हिस्ट्री में लिखा जाता है, तो आप भी इसी ढंग से आर्ट एंड आर्किटेक्चर को खड़ा कीजिए, और उस आर्ट एंड आर्किटेक्चर के खड़ा करने में जितने अधिकारी थे वो जितनी खरीद हुई होगी, चाहे पत्थर खरीदे गए होंगे चाहे और तमाम चीज खरीदे गए होंगे, तो उसमें क्या खेल होता है आपको पता ही है। तो मुझे लगता है कि जो जितना जो इस तरह के खर्च थे, मैं उनको मानता हूँ, एक चीज में मैं बड़ा उनकी शाबाशी देता हूँ, उनके जमाने में एक यूनिवर्सिटी बनी है नोएडा में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, और मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए था कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पे खड़े किए जाते और उसमें जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है और जो दलित समुदाय है उनके लिए अगर इन्होंने योजनाएं लाई होती तो इनको कोई भूल ही नहीं सकता था। और आज भी पता नहीं ईडी से क्यों डरती हैं या सीबीआई से क्यों डरती हैं, ईडी और सीबीआई इनको नहीं छेड़ेंगी, मैं आज गारंटी से कहता हूं आज भी नहीं छेड़ेंगी अगर स्टैंड लेते हैं तो एंटी बीजेपी, क्योंकि इनको छेड़ने का आसान काम नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या डर है, क्या है कि अरेस्ट कर लेगी ईडी सीबीआई अरेस्ट कर लेगी, अब किस तरह का डर है मुझे समझ में नहीं आता। तो दो फ्रंट पे इनकी गलती आ रही है, 5 साल के शासन में ये मील के पत्थर, कई ऐसे ऐसे पत्थर जो इन्होंने पार्कों में और उसमें पैसे लगाए हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की तरह ही इस तरह से 2-4 और इंस्टीट्यूशन खोल के जो बेचारे अंडर प्रिविलेज थे, इनकी कम्युनिटी के लोग थे जिनके कोर बोर्ड पे शासन करके आए थे, उनके लिए अगर ये कुछ स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते, उनके बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते, ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान में उनको पढ़ते, अच्छे अच्छे दलितों के बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनाते, जिससे कि वो जो बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं मजदूरी में ही बचपन में चले जाते हैं उनको लेके आते अपने हॉस्टल्स में, क्या पढ़ो हम सरकार खर्च उठाएगी, हम आपके लिए इस तरह के प्लान करते हैं। अगर इस पे इन्होंने 5 साल दिमाग लगाया था तो इनका कभी नहीं, और लोग इनको याद करते, अभी तो इनका जो पार्क और उसके लिए याद किए जाते हैं और उसी में कई घपले घोटाले हैं जिसके बहाने लेके सरकारी एजेंसियां इनको दबाव भी लेती है। अब अगर यही पैसे लगे होते बड़े इंस्टीट्यूशन में तो कोई सरकारी एजेंसी इनको दबाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो लोगों का वेलफेयर के इंस्टीट्यूशन बने होते। तो मेरा ये मानना है कि ये इनका बहुत बड़ा गलती रही पहले, और दूसरी गलती अब ये करने जा रही है, जो अब जो
जिस ढंग से परिवारवाद बाकी पार्टियों में है उसको इन्होंने कर ही दिया एक दलित मूवमेंट के अंदर, जो दलित मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, ये सीधा के सीधा बीजेपी की मदद भी कर रही है। तो मेरा मानना है कि थर्ड ब्लंडर है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये था विशेष आकाश आनंद पदाधिकारी बसपा के। क्या है इसके मायने, क्या होगा फ्यूचर पॉलिटिक्स का, दलित पॉलिटिक्स का, ये सब अभी देखना बाकी है। शुक्रिया आप दोनों। थैंक यू सर। थैंक यू।